हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। सुसमाचार सुनाओ। जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 उसके 15 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए गए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर चमत्कारों को हुक्म देता है कि वो आपके जीवन में काम करे। फिर परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में काम करते हैं। बाइबल में लिखा है कि चिन्ह और चमत्कार उनका पीछा करते हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं। जब आप बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रेरितों के द्वारा 7 व्यक्तियों को चुना गया जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। उनको खाना बनाने के लिए चुना गया था। पर जब आप आगे इन 7 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इन्हीं 7 व्यक्तियों ने आगे चलकर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किया और परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों ने उनका पीछा किया। उसी तरह जब आप पुराने नियम में नहेमिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देखा कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है और परमेश्वर के काम नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर के नगर को जला हुआ देखकर नहेमिया का मन जल रहा था। इसीलिए उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाऊंगा। मेरे प्रियो, नए नियम के अनुसार नहेमिया का परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जाना, सुसमाचार सुनाने जाना था, उन चीजों को बनाना था जो टूटी थी, उन लोगों को परमेश्वर के रास्तों पर लेकर आना था जो नशों में हैं, जो अपनी बीमारी में हैं। आज हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने ही मर रहे हैं। उन सब को बचाने और परमेश्वर में लेकर आने की जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन उसके लिए आपको नहेमिया की तरह परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना पड़ेगा। पुराने नियम में लिखा है कि अगर कोई लाश पाई जाए तो उस लाश के सबसे करीबी व्यक्ति से उसका लेखा लिया जाएगा, यानी कि जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उस व्यक्ति से उस लाश का लेखा लिया जाएगा कि ये आत्मा नरक में कैसे चली गई। मेरे प्रियो, आज आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, उन सब का लेखा आपसे लिया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर का काम कभी भी बैठे रहने से नहीं होगा। परमेश्वर को आज भी उन व्यक्तियों की जरूरत है जो अपने तन मन से परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं। इसलिए आज आपको बोझ के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए काम करने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के कामों को करने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करते हैं, और जब आप लगातार प्रार्थना, वचन और उपवास में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करता है ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सकें। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा लोगों के अंदर सुसमाचार फैलाने की सामर्थ्य आए ताकि ये प्रभावशाली बनकर परमेश्वर के कामों को कर सके और रूहों को बचा सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।